हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एरोक्स के कुछ एडवांटेज के बारे में। मतलब आप लोग अगर इस स्कूटी को लेते हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है इस स्कूटी के अंदर टॉप नॉच मिल जाती है, फिर मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है ये सारी की सारी चीज़ें। नंबर वन चीज़ के बारे में बात करें तो वो रहने वाला है लुक्स। मतलब एक बार 360 लुक देखो भाई, क्या ही मतलब ज़बरदस्त ये स्कूटी लगती है। अगर मैं इसकी DRL जला दूँ ना तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं आप लोगों को जला देता हूँ एक बार, ये देख रहे हो मतलब कितनी ज़्यादा प्यारी सी लगती है। और ओवरऑल जो इसका पूरा का पूरा लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा शानदार है भाई। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब ये कुछ मैक्सी टाइप स्कूटी आप लोग कह सकते हो, जो इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो उस टाइप की बेस है। व्हील बेस देखो कितना ज़्यादा लंबा सा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है नंबर टू, वो रहने वाले हैं इस स्कूटी की पावर भाई। 155 cc में भाई आप लोगों को मोस्टली बहुत ही कम स्कूटीज देखने को मिलेंगी, बट ये स्कूटी ऐसी है ना, मतलब सेगमेंट किलर आप लोग कह सकते हो भाई एक तरीके से। इसके अंदर आप लोगों को 155 cc का इंजन मिलता है, 14 bhp का पावर मिलता है, 13.9 Nm तक आप लोगों को टॉर्क मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एयर कूल इंजन आप लोगों ने देखे होंगे, ऑयल कूल भी देखे होंगे, बट इसके अंदर आपको पूरा का पूरा लिक्विड कूल देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखो लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को VVA भी इस स्कूटी के अंदर मिल जाता है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगी। नेक्स्ट नंबर थ्री, फीचर लोडेड भाई। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, मतलब जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे ना, वो सारे फीचर्स भी इस स्कूटी के अंदर देखने को जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहली चीज VVA आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके साथ नेक्स्ट जो फीचर मिल जाता है वो आप लोगों को ये मतलब देखो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, और ये इस फीचर का यूज आप पता कैसे कर सकते हो। लाइक जैसे आप i3s को यूज करते हो, जैसे आप रेड लाइट पे जाकर के खड़े हो जाते हो, तो फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाएगा, गाड़ी जो है वो अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे आप इसका ब्रेक दबा करके एक्सीलेटर दोगे स्टार्ट हो जाएगी, आइडल स्टार्ट स्टॉप कहते हैं। तो ये चीज, ये फीचर मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, जो कि मुझे काफी ज्यादा मतलब पसंद आया। और उसके अलावा फीचर्स देखोगे तो इसके अंदर आप लोगों को भाई सारी के सारी डिटेल मिल जाएगी, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर हो गया, यहाँ ट्रिप वन हो गया, ट्रिप टू हो गया, और आप लोगों का इकोनॉमी मोड, मतलब सारी चीजें टाइमिंग से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये चीज काफी बढ़िया है। सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। और एक चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी इस स्कूटी की, प्रैक्टिकल बहुत है। जैसे अगर आप लोग नॉर्मली स्कूटी देखो, आप तो खैर सब में ही आता है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। यहाँ पर आप बैठ गए, आप पेट्रोल पंप पे पहुंचे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी की को ओपन पे करो, फ्यूल का लीड दबा दो भाई, फ्यूल खुल जाएगा, यहाँ से फ्यूल डलवा लो, खत्म। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। साथ ही साथ में अगर आपको सीट खोलनी है, इसको दबा दो भाई, आपकी सीट खुल जाएगी। तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मैं आप लोगों को एक बार खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई सीट भी जो है वो आप लोगों की खुल जाती है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, मतलब इजिली भाई आप लोग सारी की सारी चीजें यहीं पे बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो, तो ये चीज एक काफी ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट चीज के बारे में आप बात करिए तो इसके टायर्स के बारे में बात करूंगा। इस स्कूटी को अगर आप देखोगे तो भाई आपको R15 से भी बड़े बड़े टायर्स इसमें मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि अपनी R15 से भी ज्यादा बड़ा है। 14 इंचेस की ये टायर्स हैं, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। 110, 80 और 14 इंचेस के अलॉयज जो है वो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाते हैं। तो बड़े बड़े टायर्स हैं, ग्रिप काफी ज्यादा बढ़िया है, और काफी ज्यादा मतलब मजा आएगा आप लोगों को चलाने में। थोड़ा बहुत अगर लीन करने के भी शौकीन हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लीन भी जो है इस स्कूटी को आराम से कर सकते हो। पीछे वाला टायर देखोगे तो भाई 140 सेक्शन का मिल जाता है, 14 इंचेस के अलॉय के साथ, तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब लीन वीन करना हो तो कोई दिक्कत जो है वो आप लोगों को नहीं होगी। नेक्स्ट जो चीज रहने वाली है वो रहने वाली है भाई इस स्कूटी की सीट। यहाँ पर अगर आप लोग सीट देखोगे तो जो राइडर की सीट है ना, उसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, मतलब कितना ही लंबा चला लो आपको कहीं पे भी थकान नहीं होगी, इतनी बड़ी सी सीट है। और कुशनिंग भी जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बड़ी लगी। हाँ थोड़ी सी पीछे वाली में थोड़ा सा है, अगर डिसएडवांटेज वाली वीडियो देखने तो वो जाकर के देख लेना। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो है इस स्कूटी के अंदर मिल जाती है। बाकी अगर एक आधी चीज छूट गई हो एडवांटेज में तो वो आप लोग मुझे बता देना। मतलब ओवरऑल भाई मजेदार स्कूटी है भाई। यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोगों को बल्कि स्कूटी वाला लुक चाहिए ना भाई, या फिर फील चाहिए, तो भाई वो इस स्कूटी में आप लोगों को मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें थी जो कि आप लोगों से स्कूटी के अंदर अच्छी मिल जाती है। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।